आ गया आपका भाटिया हॉल। साहब एक बात बोलूं, आप जब बैठे थे ना तभी मैं आपसे पूछने वाला था, मैं आपको पहचान गया साहब। आप ड्रामा डायरेक्टर श्रीकांत साहब है ना, मैंने आपका दर्पण नाटक देखा था साहब, बहुत ही दासू नाटक था साहब। साहब क्या हुआ साहब? श्रीकांत साहब क्या हुआ साहब? आपको साहब आप बोलते क्यों नहीं साहब? वॉल्व लगाना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में ही होता है और इस वक्त उनकी हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें यहाँ से हिलाया भी नहीं जा सकता। डॉक्टर, उस वॉल्व को अगर हम अमेरिका से मंगवा लेते हैं और साथ में कोई एक्सपर्ट डॉक्टर बुलवा लेते हैं तो ऑपरेशन तो हो जाएगा ना? हो तो जाएगा, मगर खर्चा बहुत होगा। सर्जरी, वॉल्व, डॉक्टर के आने जाने का खर्चा, कुल मिलाकर बहुत पैसा लगेगा। और जहाँ तक मुझे पता है श्रीकांत जी के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कितने लगेंगे? करीब 40 लाख। 40 लाख? उनके पास तो 40,000 भी नहीं होंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, हमें 40 लाख की जरूरत है, वो भी अर्जेंटली, क्योंकि अगर हमने 10 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो फिर श्रीकांत जी की जान बचाना बहुत मुश्किल। दादा क्या हो गया आपको? शेर के गिरते ही गिद्ध इकट्ठे हो गए चमड़ी उधेड़ने को। दादा कैसी बात कर रहे हैं आप दादा? हाँ श्रीकांत जी, ये लोग काफी परेशान हैं आपके लिए। आप क्या समझती हैं, इन लोगों को मेरी चिंता है? बिल्कुल नहीं, ये तो जबरदस्त एक्टर्स हैं। हाँ, ये शशांक 10 साल पहले मेरे पास आया था काम सीखने के लिए। कह रहा था बहुत अच्छे सामाजिक नाटक बनाऊंगा। हाँ, और मेरे पास काम सीखने के बाद क्या किया इसने? हाँ, घटिया फिल्में बनाने लगा। दादा आपकी जबान तो हमेशा से ही तीखी रही। दादा आपके दिल में जो भी भड़ास है ना निकाल लीजिए, जो भी उगलना है उगल दीजिए, मेरे लिए जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए, मैं आपके श्लोक सुनने को तैयार हूं। ये मंगेश एक और नमूना है डॉक्टर साहब, आज से 20 साल पहले मेरे साथ काम करता था और ये सोचता था कि ये सब कुछ करता है और नाम मैं कमाता हूं। और इस बेवकूफ ने क्या किया, छोड़ दिया मुझे, अकेले काम करने लगा। मगर मेरे बिना इसका क्या हो सकता था? शशांक, शशांक मैंने पहले ही तुम्हें यहां आने से मना किया था, इनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन ये सांप हमें डसने से बाहर नहीं आ रहा है। मंगेश ऐसा नहीं कहती, वो हमारे गुरु है और गुरु तो गुरु ही होता है। देखिए दादा, आप हमारे बारे में जो कुछ समझते हैं वो हमसे जरूर कहिएगा, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त हमें आपकी तबीयत की चिंता है और किसी भी कीमत पे हमें आपको बचाना है। मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, जो कुछ भी था वो थिएटर में लगा दिया, अब तो शायद मौत ही एक रास्ता है। हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। आरती तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी बैंक में जाओ और सारा का सारा पैसा निकालो, जितने भी फिक्स डिपॉजिट है तोड़ दो, सारे शेयर्स बेच दो। शशांक जी तुम क्या कह रहे हो? अरे अपने बच्चों के बारे में सोचा है? उनसे क्या तुम भीख मंगवाओगे? मैं जो कह रहा हूँ उतना सिर्फ करो, तुम अभी बैंक जाओ और ये पता कराओ कि बैंक हमें कितना ओवरड्राफ्ट दे सकता है। मेरे ख्याल से 10-12 लाख तो आराम से मिल ही सकते। आरती ठीक कह रही है शशांक, तुम पागल हो गए हो। दादा आप कुछ भी कहिए, मैं आज जो भी हूं ना सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। और दादा ये तो कुछ भी नहीं है, हमें 28 और 30 लाख का इंतजाम करना है।
तुम कुछ मदद कर सकते? शशांक, शशांक मेरे पास है ही क्या? हाँ, मैं मॉर्निंग टाइम्स के एडिटर को जानता हूँ। उनके अखबार में हम एक अपील छपवा सकते हैं मदद के लिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्रीकांत जी के शुभचिंतक, इनको चाहने वाले खुले हाथ पैसा देंगे। नाटककार और रंगमंच के निर्देशक श्रीकांत जी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है। उनके दिल के ऑपरेशन के लिए और अमेरिका से दिल का एक आर्टिफिशियल वाल्व मंगाकर बदलने के लिए 40 लाख रुपयों की जरूरत है। हमारा पेपर हर रंगमंच के और श्रीकांत जी के चाहने वालों से प्रार्थना करता है कि आगे बढ़कर खुले दिल से पैसे दें। आप श्रीकांत जी को जानते थे? नहीं, इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैंने उनके काफी प्लेस देखे और कई प्लेस से प्रभावित भी हुआ। वीरेन, हम पुलिस वाले हुए तो क्या, हमें अपने काम से वक्त निकालकर नाटक देखने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। मैं तो देखता हूँ समाज की प्रगति के लिए कला और साहित्य का विकास होना बहुत जरूरी है। श्रीकांत जी ने समाज के लिए इतना कुछ किया है, और आज वो बेचारे अस्पताल में पड़े, इलाज के लिए उनके पास पैसे तक नहीं। वीरेन, ये चेक उस अखबार में दिए एड्रेस पर भिजवा दो। रिस्पांस रहा है, पिछले 3 दिनों में 16 लाख तो आ ही गए हैं। लोगों ने 10 से लेकर 10,000 रुपए तक भेजे हैं। देखिए, हिसाब किताब अभी भी जारी है। ऐसे ही रहा तो 30 लाख तो आसानी से आ जाएंगे। लगता है श्रीकांत जी को लोग काफी पसंद करते थे। देखिए डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो, ऑपरेशन तो हमें टाइम पे ही करना चाहिए, और श्रीकांत जी को कुछ होना नहीं चाहिए। डोंट वरी, अमेरिका के ओहायो हॉस्पिटल के डॉक्टर विलियम से मैं सब कुछ बात कर ली है। वो कल ही वहां से रवाना हो जाएंगे। रही बात वॉल्व की, वो तो पहले ही भेजा जा चुका है, कल सुबह तक पहुंच जाएगा। अबे रेडी हो जा, एम्बुलेंस आ रही है। से भी अभी पंचर होना था। अरे भाई साहब सुनिए तो, उसमें आपके काम की कोई चीज नहीं। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे उसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है। अरे उसमें दवाइयां है भाई साहब। अरे भाई साहब अस्पताल में सामान है। अरे खड़ा रहे जगह पे। अरे इसमें कुछ नहीं भाई साहब, इसमें दवाइयां हैं। अरे इसमें अस्पताल का सामान है, सुनिए तो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब, भाई साहब पुलिस, पुलिस। फ्रेंड्स, लगता है मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी हुई थी। देखिए देखिए साहब, किले इधर पड़ी हुई थी। सर, 2 बंदूकधारियों ने इस एम्बुलेंस में से मिस्टर श्रीकांत के ऑपरेशन के लिए लाए जाने वाले वॉल्व का डिब्बा चुरा लिया है, और उस वक्त ये ड्राइवर और ये अटेंडेंट, ये दोनों ही गाड़ी में थे। वो दिखने में कैसे थे? जी सर, दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए चेहरा छुपा हुआ था। नहीं, इनके मुताबिक दोनों काफी मोटे थे। एक की हाइट कुछ 5 फीट 8 इंच और दूसरे की 5 फीट 7 इंच थी। कोई वाल्व क्यों चुराने लगा? आखिर वो किसके काम आ सकता है? जो भी हो, हमें वो वाल्व जल्द से जल्द चाहिए। एसपी साहब, मुझे 48 घंटे में ऑपरेशन करना है, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दूसरा वाल्व भी मंगवा लें।
और आज रात तक अमेरिका से डॉक्टर विलियम्स भी आ जाएंगे। अगर हमने जल्द से जल्द ये ऑपरेशन नहीं किया तो श्रीकांत जी को बचाना नामुमकिन होगा। ये देखिए यहाँ पंक्चर किसे किया है? ये देखिए सर, किले पूरी तरह अंदर घुस गए। सर, सर एक मिनट इधर। सर देखिए फुटप्रिंट्स, ये ड्राइवर और अटेंडेंट किसी के जूतों से मैच नहीं कर रहा। दो आदमियों से किसी एक का है। फोटोग्राफर। यस सर। इनके फोटो ले लो। यस सर। बाद में देखते हैं किसके जूते के साथ मैच होता है। सर एक मिनट यहाँ आइए। ये देखिए, जो आदमी वॉल्व का डिब्बा लेने अंदर गया होगा उसने पांव यहां रखा बराबर है। जी साहब, वो बिल्कुल ऐसे ही गया था। सर ये मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी उसी आदमी के पांव से आई है। ठीक है, इसे संभाल कर निकालो और फोरेंसिक लैब भेज दो। ओके सर। डॉक्टर, लाइन नंबर 4 पे आपके लिए फोन है। वो आदमी अपना नाम नहीं बता रहा। हो सकता है ये वही हो जिसने वाल्व लूटा है। आप स्पीकर फोन पे बात कीजिए। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? गुड इवनिंग डॉक्टर, शायद आपको मेरे फोन का इंतजार था, है ना? मंगेश और शशांक साहब भी वहां पर होंगे और पुलिस तो जरूर होगी। बोलो, मेरा अंदाजा सही निकला ना? है ना? क्या चाहिए तुझे? इतनी जल्दी भी क्या है, आपने अखबार में वॉल्व के बारे में जो अपील छपवाई है वो मेरे दिल में चुभ गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है डॉक्टर। देखो देखो, अगर वो वॉल्व तुम्हारे पास है तो हमें दे दो, हमें उसकी सख्त जरूरत है। प्लीज वो दे दो ना। दे दूंगा, जरूर दे दूंगा। जैसे ही तुम जमा किए हुए वो 40 लाख रुपए मुझे दे दोगे मैं तुम्हें वॉल दे दूंगा। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा, वो पैसे तो हमें ऑपरेशन के लिए चाहिए। 10 लाख रुपए तुम वॉल के लिए दे चुके हैं। 30 लाख ही सही, मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब अब तक तो फोन ट्रेस करके मेरा पता लगा चुके होंगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। चलो मैं फिर फोन करूंगा। तो फिर अब हम क्या करें? क्योंकि इतना सारा अगर पैसा उसको दे देते तो फिर ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से लाएंगे हम? हाँ, और फिर हम श्रीकांत साहब को कैसे बचाएं? हाँ, उन्हें पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। एक मिनट। टेलीफोन एक्सचेंज, यादव वीरेंद्र, मैं वही 2232894 से बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि ये आखिरी फोन कहाँ से आया था? सर, फोन यहाँ से आया था, शास्त्री नगर में एक पब्लिक फोन है, फोन वहीं से किया गया था। दिलीप, कुछ पता चला? सर वो जगह बिल्कुल सुनसान है, इसे कुछ पता नहीं चला। वहाँ हमारे आदमियों की ड्यूटी लगा, किडनैपर्स वहीं कहीं होंगे। जाओ डॉक्टर सारंग, कुछ पता चला? इस मिट्टी के सैंपल में कुछ पेट्रोल के अंश हैं, थोड़ी ग्रीस भी है, कुछ रुई के धागे हैं और पेंट। पेंट? ये स्प्रे पेंट है जो कारों को पेंट करने के काम में आता है। मतलब गैराज? एग्जैक्टली, या तो ये आदमी गैराज में काम करता है या वहां गया होगा। मगर शहर में तो हजारों गैराज है। दया, एक काम करो, शास्त्री नगर जाके देखो कि जहां से फोन आया था वहां से 5 किलोमीटर के दायरे में कितने गैराज हैं। यस सर। जाओ। और कुछ? देखो, मैं इस कांच के टुकड़े को देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह है किस चीज का, किसी बोतल का है या किसी ग्लास का है या किसी खिड़की का। अगर हमें यह पता लग जाए तो हमें कुछ और मदद मिल सकती है। डॉक्टर साहब जरा जल्दी पता लगाइए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। श्रीकांत जी की हालत बिगड़ती जा रही है।
अगर आप उन्हें पैसे दे देते हैं और बल्ब ले लेते हैं तो आपके पास ऑपरेशन और डॉक्टर की फीस के लिए पैसे नहीं बचते, और दूसरी तरफ अगर आप उसे पैसे नहीं देते हैं तो आपके पास बल्ब नहीं है, और दोनों ही हालत में श्रीकांत साहब की मौत हो जाएगी। हमें 30 लाख रुपया और इकट्ठा करना है। मैंने तो अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है तो मैं अपना फ्लैट बेच देता हूँ, अपनी अपनी गाड़ी भी बेच दूंगा, उससे कुछ तो होगा। शशांक तुम पागल हो गए हो क्या? अरे श्रीकांत जी के लिए तुम अपने परिवार को मार डालोगे क्या? तो मैं क्या करूं बताओ ना, हम क्या करेंगे? Are you sure, Dr. Williams? Yes. Dr. Williams कह रहे हैं कि ऑपरेशन की फीस और अपने आने जाने का खर्चा कुछ नहीं लेंगे। क्या? I've been watching you for some time. I won't take any money. It would be blood money. इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ 11 लाख रुपए ही इकट्ठे करने। You are wonderful, Dr. Williams. जब आप श्रीकांत जी के लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा हॉस्पिटल भी पीछे नहीं रहेगा। हम भी श्रीकांत जी के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। इसका मतलब लुटेरों को पैसे देकर भी हम श्रीकांत दादा की जान बचा सकते हैं? स्पीकरफोन का बटन। हाँ, तो क्या तय किया है तुम सबने? देखो हम 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे रेडी रखेंगे। हम तुम्हें पैसे दे भी देंगे लेकिन वो वॉल्व जरूर हमें दे दो। अरे वाह, काफी समझदार दिखते हो। एक बात बताओ, पैसा हम तक पहुंचेगा कैसे और हम तुम्हें वॉल्व देंगे कैसे? क्या तुम में से किसी के पास मोबाइल फोन है? हाँ, मेरे पास है। नंबर है 9820-1123। गुड, जो भी पैसे लेकर आएगा वो मोबाइल अपने पास रखे और ठीक 3 घंटे बाद हमें बॉम्बे पूना हाईवे के पालिका जंक्शन पर मिले। बाकी बातें हम बाद में करें। हाँ देखो, हम पालिका जंक्शन से 1 मिनट दूरी पे है, बॉम्बे पुना रोड पे। देखो आप जरा जोर से बोलना, क्या है ये? जरा बैटरी थोड़ी डाउन हो गई इसकी। हाँ हाँ, कौन सा? 262। अच्छा हाँ हाँ, नहीं वो स्टॉप तो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं उसको। 551-2341 ये नंबर मोबाइल पे आया था, पता करो कहाँ का है। ओके सर, मैं भी ऑपरेटर से पता लगाकर वहां पर पहुंच जाता हूँ। हेलो स्टॉप पे तो हम आ गए, अब आगे क्या करना? अरे देख क्या कर रहे हैं? अरे अरेस्ट CID। नहीं बस स्टॉप पे तो आ गए हम और आसपास कोई भी नहीं है। हाँ हाँ क्या करूं इस बैग का? फेंक दूं? हाँ मैं फेंक रहा हूं, फेंकूं? तो यहां फेंक दी झाड़ी में। हाँ अब देखो वो वॉल हमको चाहिए। हाँ वो उस कहां पे पालाडी जंक्शन कहा? अच्छा वो लेकिन पालाडी जंक्शन पे कहां पे है? हाँ अच्छा कचरे का डिब्बा है कोई? हाँ ठीक है हम पहुंच रहे हैं। मैंने किया क्या है? हेलो शशांक, इफेक्टिव वीरेन। हेलो तुम अजीत हो? हाँ सर, मेरा नाम अजीत है और मैं अपनी बीबी से बात कर रहा हूँ सर। मगर हुआ क्या सर? कितनी देर से बात कर रहे हैं? ये कोई चार पांच मिनट हुए हैं सर। 4-5 मिनट? हाँ। तुमसे पहले इस बूथ पर कौन था? मुझे क्या मालूम था कोई, मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है, मैंने उसको ठीक से देखा नहीं है। वो चला गया। उसने तो कहा था वॉल नहीं पे होगा। इसमें वाल्व तो नहीं है, वाल्व का डिब्बा इसमें नहीं है। इसका मतलब किडनैपर ने झूठ बोला था। अगर हमें वाल्व नहीं मिला तो श्रीकांत जी की मौत निश्चित है।
हमारे पास सिर्फ 12 घंटे ऑपरेशन के लिए। आप लोग प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। कम से कम ये नाटक मैंने नहीं लिखा एसीपी साहब। उसने ऊपर वाले ने मेरे लिए मौत का सीन लिख ही दिया है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये सीन फिर से भी तो लिखा जा सकता है श्रीकांत जी। डॉक्टर सुष्मिता आप फौरन ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। किसी भी हालत में उन किडनैपर्स को ढूंढकर वो वाल्व लाकर ही रहेंगे। मैंने इस कांच के टुकड़े को बहुत बारीकी से टेस्ट किया है। ये कोई आम कांच नहीं है। फिर कैसा कांच है? बड़े माइक्रोस्कोप में देखने से पता लगा कि इसके किनारों में बिल्कुल नोक नहीं है, बिल्कुल नुकीले नहीं है, एकदम सपाट है और इसमें हल्का सा रंग भी है। इतनी गराज की कांच में टिंट, मतलब ये किसी कार का ही हो सकता है। हाँ, कौन सी कार का हो सकता है? हमारे देश में जितनी भी कारें बनती हैं, मैंने उन सभी के शीशों के सैंपल मंगा करके मैच करके देखे, ये किसी से मैच नहीं होता। तो फिर ये किसी इंपोर्टेड कार का शीशा होगा। मैंने कुछ इंपोर्टेड कार के शीशे मंगाए, ये देखिए, ये पजेरो, टोयोटा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा। तो फिर ये कांच का टुकड़ा बीएमडब्ल्यू का है। पक्का? पक्का, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू। हेलो, हम सीआईडी ऑफिस से बोल रहे हैं, आपके पास कोई बीएमडब्ल्यू कार है? मैं सीआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपके पास कोई बीएमडब्ल्यू कार है? कोई एक्सीडेंट हुआ था मिस्टर पारे? अच्छा, आपके पास कोई बीएमडब्ल्यू कार है? कब का मॉडल है? उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है? हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में आपकी बीएमडब्ल्यू कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ टूटा? हेलो मिस्टर माणिकचंद। अच्छा, मैं सीआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ। देखिए, आपके पास एक बीएमडब्ल्यू कार है? हमें सभी लोगों के नाम पता और टेलीफोन नंबर्स मिल गए हैं जिनके पास बीएमडब्ल्यू कार है। अच्छा, और सारे शहर में कुल मिलाकर 53 बीएमडब्ल्यूज हैं। बस कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि वो कौन सी गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और शीशा टूटा था। आपकी बीएमडब्ल्यू कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, छोटा सा डेंट पड़ा था। कर्पारी, आपके पास कोई बीएमडब्ल्यू कार है? 1997 मॉडल? नहीं, कोई खास बात नहीं है, यूं ही जरा एक गाड़ी चोरी हो गई है। क्या? उसी के बारे में पूछना चाहिए। आपके बीएमडब्ल्यू कार का एक्सीडेंट हुआ था? अच्छा, सामने का कांच भी टूटा था? एक मिनट, आप एसीपी साहब से बात कीजिए। सर, मिस्टर किरमानी है, इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लगता है ये हमारी मदद कर सकते हैं। हेलो, हाँ मिस्टर किरमानी, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या हाल ही में आपकी बीएमडब्ल्यू कार का एक्सीडेंट हुआ है? कब? कुछ ही दिन पहले। अच्छा, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? किरमानी साहब, आप कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? जी हाँ, 20 रोज पहले की बात है। सामने से एक ट्रक आ रहा था, ट्रक ड्राइवर ने पी हुई थी, बचाव के लिए साइड में ली तो सीधा दीवार में लग गई, शीशा भी टूट गया और ये देखिए, ये सारी बॉडी चली गई थी। बाद में कलर करवा के ठीक करवाया। काम अच्छा किया है। कहाँ रिपेयर करवाई थी गाड़ी? अपना वही प्रतीक, प्रतीक गैरेज वर्सोवा, उन्होंने शीशा भी बदल दिया और रिपेयर करके पेंट भी कर दिया। प्रतीक गैरेज वर्सोवा। देखा वीरे, यहां पर ऑयल पेंट सब गिरा है, लगता है हम सही जगह पहुंच गए हैं। ये वही जगह हो सकती है जहां की मिट्टी से हमें कांच, ऑयल, पेंट सब मिल सकता है। वही जगह। सर, ये एम्बुलेंस के पास में से जो जूतों के निशान मिले हैं, देखो यहाँ किसी मैकेनिक के जूतों से मिलते हैं। देखो, सबके जूते उतरवा कर देखो। यस सर। चलिए चलिए, पीछे आइए, अपने अपने जूते निकालिए, सवाल मत पूछिए सीआईडी। प्रतीक,
जी, आप कौन? CID. ओ, किरमानी साहब ने बताया कि उनकी BMW गाड़ी यही रिपेयर हुई थी. सामने का हिस्सा आपने रिपेयर किया था, पेंट किया था और आगे की खाज भी बदली थी. हाँ, मगर आप ये सब क्यों पूछताछ कर रहे हैं और ये हमारे वर्करों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं? जूतों की बातें हो रही. जूतों की बातें? जूतों के बारे में? जी हाँ. तुम निकालो. लेकिन हाँ, तुम निकालो. मैं हरगिज नहीं मान सकता कि हमारे वर्कर कोई गलत काम कर सकते हैं. सर, इनमें से कोई भी जूता इस निशान से नहीं मिलता है. तुम एक काम करो, इन सब के एड्रेस ले लो. हो सकता है इनके पास दूसरे जूते हों घर पर. देखना तो पड़ेगा सर. और एक बात नोटिस की. क्या? यहाँ सिर्फ 5 वर्कर्स हैं, 6 होने चाहिए. यस सर. प्रतीक को बुलाओ. प्रतीक. जी सर. जरा यहाँ आइए. प्रतीक जी, जहां तक हमें मालूम है तुम्हारे पास 6 वर्कर्स काम करते हैं. जी हाँ. यहाँ तो 5 दिखाई दे रहे. छठा कहाँ है? जी वो गगन. गगन? 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 जी हाँ, गगन. वो कुछ दिनों से आया नहीं. उसकी तबीयत ठीक नहीं है सर. तबीयत ठीक नहीं है? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? अभी कुछ ही महीनों से. पर काम बहुत अच्छा करता है साहब. सभी गाड़ियों के बारे में जानकारी है उसे. ये किरमानी साहब की BMW भी उसी ने बनाई थी. उसी ने बनाई? वो कहाँ रहता है? जी वो पता नहीं साहब. वो आया था तो मैं भाड़े की खोली बताया था उसको. दरवाजा खोलो. दरवाजा खोलो. तोड़ दो दरवाजा. इसकी तबीयत वाकई खराब है. यस सर. पड़ोस पड़ोस में जाकर पूछताछ करो गगन कैसा आदमी था और पूछो इसके पास कौन कौन आते जाते रहते थे. ठीक है? यस सर. विरेन. यस सर. देखते हैं वाल्व यहीं कहीं मिल जाए. यस सर. पड़ोसी मिला है, कुछ बताना चाहता है. विरेन. यस सर. से लगता है वाल्व तो यहां पर नहीं है. फिर भी देख रहा हूं. सर, गगन के पड़ोसी है, ये कुछ जानता है. क्या जानते हो उसके बारे में? क्या बताऊं साहब, ये कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था. अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रहने को आया था. अरे उस आदमी के बारे में बताओ ना, जो इससे कभी कभी मिलने आता था. मालूम नहीं कौन था साहब, वो रात को अक्सर आता था. हाँ, मगर वो था कौन? अब हमको क्या मालूम साहब कौन था वो. हमने तो सिर्फ आवाजें सुनी थी और कभी कभी दो लोगों की आवाजें भी सुनाई देती थी. लेकिन गाड़ी में आता था साहब. गाड़ी में? तुमने देखी है वो गाड़ी? कैसी थी, क्या रंग था? अब गाड़ियों के बारे में मुझे क्या मालूम साहब, और रात को क्या रंग दिखता है. मगर एक बात है साहब, गाड़ी लंबी थी. लंबी लंबी. इनकी हालत बिगड़ती जा रही है. अगर यही हाल रहा तो इनका बचना बहुत ही मुश्किल होगा. आप लोग प्लीज जल्दी कुछ कीजिए. डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. किडनैपर्स तो 2 थे जिन्होंने वाल्व चुराया.
और उनमें से एक गगन वो तो मारा जा चुका है, लेकिन उसे किसने मार डाला? सर उस दूसरे किडनैपर को पैसे का लालच हो गया और वो सारा पैसा खुद ही खाना चाहता है, इसलिए उसने गगन को मार दिया। लेकिन एक बात अब भी मेरे समझ में नहीं आ रही कि वो बाल वापस क्यों नहीं दे रहे, उन्हें पैसे तो सब मिल गए। सर उनको इससे मतलब नहीं है कि श्रीकांत जी जिए हैं हमारे, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। बेरहम है, बेरहम। अरे श्रीकांत जी के जितने भी करीब के लोग हैं उन सबको मेरे ऑफिस में ले आओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। यस सर। और एम्बुलेंस स्टाफ से पूछो कि वो दूसरा किडनैपर कैसे दिखता था। लेकिन उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, उसने हेलमेट पहना हुआ था। फिर से पूछो उसकी हाइट क्या थी, वो चलता कैसे था, उसने क्या कपड़े पहने थे, पूछो। मगर ओके, और एक काम करो सर, जहां मैं कहता हूं वहां एक फोन करो। ओके, जिससे हमें हमारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने आप सबको सिर्फ ये जानने के लिए यहां बुलाया है कि आप में से किसी को भी श्रीकांत जी से इतनी दुश्मनी थी या उनसे कोई इतनी नफरत करता था कि वो उनकी जान ले सकता था। देखिए उनकी जुबान गंदी जरूर है, किसी को भी बुरा भला कह देते हैं। जैसे आपको भी कहा था ना कुछ, वैसे आप भी तो श्रीकांत जी को ज्यादा पसंद नहीं करते, क्यों है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो आपने सुना, वो बात बात पर आपका मजाक उड़ाते थे है ना, और जब उन्हें छोड़कर आपने अलग से अपना काम शुरू किया तब आपने सोचा कि आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे, मगर ऐसे हुआ नहीं। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं एसीपी साहब, दादा तो कई मरतबा मुझे भी भला बुरा कहते थे, मुझे धुतकारते थे, कहते थे मैं बिक चुका हूं, मैंने थिएटर छोड़ के बाजारों फिल्में करना शुरू कर दिया। मैंने तो कभी बुरा नहीं माना, आखिर दादा तो थे ही ऐसे। और नहीं तो क्या, जो भी उसे जानता था उसकी वो बेइज्जती कर चुका था कभी ना कभी, तो क्या हम सब उसकी जान लेना चाहते थे? हेलो, हाँ बीरेन, क्या सर मैंने जो कहा था वो काम किया तुमने? गुड गुड। क्या दूसरे किडनैपर का पता चल गया? एक्सलेंट एक्सलेंट। हाँ डरा हुआ है इससे? अपने बॉस से डरा हुआ है? अच्छा, दो घंटे बाद तुमसे अकेले में मिलना चाहता है? कहाँ? प्रीतम मिल्स। ठीक है तुम 9:30 बजे वहां अकेले पहुंच जाना। ओके बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर सुष्मिता से कहो कि वो ऑपरेशन की फौरन तैयारी करे, दूसरे किडनैपर का हमें पता चल गया उसके जरिए हमें वाल भी मिल जाएगा। लेकिन एसीपी साहब वो है कौन? बस 2 घंटे इंतजार कीजिए, इंस्पेक्टर वीरेन उससे मिलने गया है, सभी जवाब लाता ही होगा। वो 9:30 बजे यहां आने वाला था, तुम्हें ठीक से याद है ना? हाँ सर, उसने मुझे इसी जगह मिलने को कहा था। सीआईडी ऑफिसर, कहां हो तुम? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो ऑफिसर।
कॉज करेगा, सीआईडी को इन्फॉर्म करेगा। शशांक तुम्हारा खेल खत्म हो गया, ये हमारा आदमी है, बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब बताओ कि वाल्व कहां है। शशांक हमारे पास वक्त बहुत कम है, बताओ वाल्व कहां है। बता। कामयाब रहा, वाल्व भी लग गया, श्रीकांत जी अब ठीक है। मगर मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि आपको शशांक पर शक कैसे हुआ। हमें एक बात बहुत अजीब लगी थी कि किडनैपर ने पैसे भी ले लिए और वाल्व भी वापस नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसा आदमी होगा जिसे पैसा भी चाहिए और श्रीकांत की मौत भी। हमें यह मालूम नहीं था कि वो दूसरा किडनैपर कौन है, इसीलिए हमने श्रीकांत साहब के जानने वालों को यह झूठी खबर दी। क्या हमें उस किडनैपर के बारे में पता लग गया है और वो हमें एक मिल में मिलने वाला है। और वहां हमारा एक ऑफिसर मिल में चोरों की तरह आया। उधर शशांक ने ये सोचा होगा कि वो फंस गया और इसलिए दूसरे किडनैपर का मुंह हमेशा बंद करने के लिए वो वहां आया और पकड़ा गया। शशांक ने गगन को मार डाला और अब वो दूसरे किडनैपर को भी मार डालना चाहता था ताकि किसी भी तरह वो खुद पकड़ा हो जाए। ये दूसरा किडनैपर है कौन? शशांक ने उसके बारे में हमें सब कुछ बता दिया और बहुत जल्दी हम उसे पकड़ भी लेंगे। अगर शशांक ने ऐसा किया क्यों? उसने अपने सारे शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट्स सब कुछ दे दिए थे श्रीकांत जी की जान बचाने के लिए। उसने 10 लाख रुपए लगाए थे क्योंकि 30 लाख रुपए मिलने वाले थे। वो श्रीकांत साहब की जान नहीं बचाना चाहता था। शशांक श्रीकांत से अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था। मदद तो एक बहाना था, वो दिल वाला नहीं दिल जला था। एक फ्लॉप डायरेक्टर जिसका खतरनाक प्लान भी फ्लॉप हो गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।